ओम क्रिया बाबाजी नमः, ओम श्री मातृ नमः। विश्व के परम गुरु श्री महावतर बाबाजी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी अवतार ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री अगस्त्य मुनि लोपा मुद्रा और मेरे शरीरधारी गुरु को प्रणाम करके आज के जो लेक्चर है उसकी शुरुआत करते हैं। विषय की श्री विद्यापीठम में आप सभी का स्वागत है और आप लोगों को जिन लोगों को हमारा ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का जो एक श्रृंखला है आपको बहुत लोगों को पसंद आई है तो उसी में ही आज की एक जो भाग है उसमें ऐड करते हैं। तो आज के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का जो सब्जेक्ट है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि काफी लोगों को कहा जाता है कि जहां लक्ष्मी होती है वहां सरस्वती नहीं आती, जहां सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी नहीं आती। मतलब सीधा है कि जिनके जो व्यापारी लोग हैं और जो व्यापारी लोग धन कमाते हैं हाँ, तो उनके पास विद्या नहीं आती। विद्या मतलब सरस्वती और लक्ष्य पैसा मतलब लक्ष्मी। और जो विद्यावान है यानी विद्यावान मतलब आप ऐसा समझ लीजिए जिनके पास विद्या है अलग अलग प्रकार की, तो जिनके पास विद्या है उनके पास लक्ष्मी नहीं आती मतलब पैसा नहीं आता ऐसा कहा जाता है। तो होता क्या था मित्रों कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी एक जमाने में देखता था, मेरा जब 19 उम्र था 19 साल था तो 19 साल से 26 उम्र तक मैंने काफी एस्ट्रोलॉजी देखी, काफी लोगों को देखा। और इसमें क्या होता था कि मैं और मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे कि हम लोग जो थे वो ऐसे ही कहीं कहीं दूसरी जगहों पे भी जाते थे कि एक्सपीरियंस करने की के लिए कि कैसे कैसे प्रकार की एनर्जीज होती है, लोग कैसे कैसे एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, किसी के प्रश्न देखने के तौर तरीके कैसे होते हैं, ये सब जो एक्सपीरियंस होते हैं वो करने के लिए हम यहां वहां कभी ना कभी जाते थे। तो मैं ऐसा था कि मैं जो एस्ट्रोलॉजी देखता था उस टाइम हम कोई धन ऐसा नहीं लेते थे, यानी जो अपने हिसाब से वो दक्षिणा रखे उसे में हम संतुष्ट रहते थे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअली जो नियम है वो उसी तरह से है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को एक्चुअली श्रापित कहा गया है ऐसा है। तो ज्योतिष शास्त्र जो आप करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र करते वक्त कुछ ऐसे हिडन नियम है, जो छुपे हुए नियम है उन नियमों को समझना बहुत जरूरी होता है ऐसा है। तो किन कुंडलियों को स्पर्श करना चाहिए, किन कुंडलियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, कि दक्षिणा भी कितनी लेनी चाहिए कितनी नहीं लेनी चाहिए, किनको किस प्रकार से मार्गदर्शन करना चाहिए, इसके कुछ एक टेक्निक्स होते हैं। इवन आप हैंडराइटिंग भी एस्ट्रोलॉजी के लिए करते हो तो उसके लिए पेन किस रंग का चाहिए, ये कुछ जिस चीजें है वो समझ में आनी चाहिए। अभी आज के जमाने तो जो मेट्रो सिटीज है वहां जो एस्ट्रोलॉजी देखी जाती है तो आपको 5% या 10% ही कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से दिखने वाला मिलेगा, बाकी 90% एस्ट्रोलॉजिस्ट तो जिनके पास बहुत अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, पदवियां होती है धारण की हुई, वो तो आपको लैपटॉप लेकर आपको प्रिंट आउट निकालेंगे कुंडली का और उसमें से सिर्फ आपको बताएंगे जो ऑटोमेटिकली आता है जो लिखा हुआ तो वही बताएंगे और उसी हिसाब से आपको बोलेंगे काले सर्प की शांति करो, 21 लाख का हवन करो और XYZ आपको जो टोने टोटके है वो बताएंगे। जो एग्जैक्टली जो आपको रूट लेवल का मार्गदर्शन है वो आपको कम लोग ही आपको बताएंगे, क्योंकि रूट लेवल का जो मार्गदर्शन होता है वो बताना जो होता है उसको एक कला कहते हैं और वो कला आनी चाहिए। तो एक ये तो हुआ एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट। तो मेरा ऐसा था कि हमें भी उस टाइम लोग जो थे दक्षिणा कम रखते थे क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि इनको क्यों पैसे की आवश्यकता है ऐसा लगता था। तो ये सारी चीजें थी। तो ऐसा है कि मैं कभी कभी मेरे दोस्तों के पास जिन जिन जगहों पे ऐसे मैं अपनी खुद की कुंडली होती थी वो दिखाने के लिए चला जाता था तो मैं उनको कहता था कि देखिए हम तो ज्योतिष बताते छोटा मोटा कुंडली का लेकर ये करके दे देते बनवा के देते लोगों को मार्गदर्शन करते हैं तो हमारे पास आप लक्ष्मी कब आएंगी आप बताइए। तो काफी लोग ऐसा कहते थे कि अरे तुम्हारे पास सरस्वती है तो सरस्वती के पास लक्ष्मी कैसे आ सकती है, तो एक मैन में दो तलवारें कैसे रह सकते हैं। तो ऐसा जो था ये मैंने काफी लोगों के मुंह से सुना, इवन जो है वो स्पिरिचुअलाइजेशन भी लोगों के स्पिरिचुअलाइजेशन भी जो होती है उनमें भी आमतौर पर हमारे जीवन में ऐसे लोग कहते हैं कि आपके पास विद्या है तो आपके पास लक्ष्मी नहीं आएगी और जिनके पास लक्ष्मी है तो उनके पास विद्या नहीं आएगी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया है ये पैसा और विद्या इन एक दूसरे के पास नहीं आएगी इसका लॉजिक क्या है, ये सबसे बड़ी झूठ बात है
जो हमारे समाज में फैलाई जाती है। तो मैं आपको सीधा सीधा फ्रेंकली कहता हूं, ये संस्कार अगर ये दिमाग या आपके दिमाग में किसी ने डाला हुआ है कि अगर आप पढ़े लिखे हो और आपके पास पैसा नहीं आएगा, तो ये सीधा सीधा आप निकाल दो ये दिमाग से, इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। या फिर आप व्यापारी हो, आपके पास बहुत सारा धन है और कोई कहेगा कि आपके पास विद्या कैसे आएगी, ऐसा है, तो इसका कुछ लेना देना नहीं है मित्रों। बहुत सारे जो जिन्होंने उपनिषदों का निर्माण किया, हाँ, जिन्होंने एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अध्यात्म की एक प्रकार से प्रसार किया, जो संत महात्मा बड़े बड़े बने हैं, वही संत महात्मा ज्यादा है इन सारे ग्रुप्स में, कि जो राजाओं के पुत्र थे, जिनके पास बड़ा बड़ा साम्राज्य था, तो विद्या उन्हीं के पास ही चली गई, जिनके पास बहुत सारी लक्ष्मी थी। आज के जमाने में आप देखिए कि आप बॉलीवुड इंडस्ट्रीज देखिए कि जिनके पास एक्टिंग की कला है, संगीत की कला है, इवन उनके पास जो है वाद्य की कलाएं है, हाँ, गाने की कला है, तो अलग अलग कलाएं है। तो आप जानते नहीं होंगे कि एक कोई सीरियल चल रहा है, तो सीरियल अगर चल रहा है तो उसमें अगर सपोर्टेड एक्टर एक्टर होते हैं, उनकी डेली आमदनी जो होती है 2,000-3,000 तक होती है। जो स्पॉट बॉय होते हैं उनका 1,000 रुपया डेली कहीं चुका नहीं, और ऐसे इतने ग्रुप में अगर एक सीरियल का शूट करना हो तो कम से कम 300-400 लोग होते हैं। तो जितने भी वहां माहौल होता है वो कला का माहौल ही है, स्पॉट बॉय से लेकर जो एक्टिंग करने वाला एक्टर है और कैमरामैन जो है वो सारी कला ही है। हाँ, तो कैमरामैन भी कितनी सारी डेली अमाउंट लेता होगा। इवन एक कैमरामैन जो होता है वो कैमरा जो होता है वो कैमरा का सेटअप करने के लिए कैमरे के अलग असिस्टेंट होते हैं, उनकी भी जो आमदनी डेली होती है वो 5,000-7,000 तक होती है। इतना तो पैसा मित्रों कोई जो होता है होटल वाला भी कमाता नहीं है, इवन इतना का जो सोनार होते वो भी नहीं कमाते सोने से, इतना कोई मॉल वाला भी नहीं कमाता, व्यापारी भी नहीं कमाता, इतनी उन लोगों की आमदनी होती है। ये मैं आपको एक्चुअली जो मेरे पास जो लोग सीखते हैं उनका मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा हूं, कि जो लोग मुझे बताते हैं इन सारी चीजों को। इवन जो पॉलिटिकल लोग होते हैं इनको दिन में कितना खर्चा होता है, हाँ, तो वो पैसा तो कहीं से आता ही होगा ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक समाज को अपने पास खींच रहे हैं, तो वो भी एक अलग विद्या है। अगर आप व्यापार कर रहे हो किसी चीज का, मतलब अध्यात्म का नहीं, यानी आप कोई एक चीज है आपने दुकान पर आप बेच रहे हो, हाँ, या अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हो, अपने विद्या का प्रदर्शन कर रहे हो, तो वो भी आपकी कला है, तो उस कला को खींचकर आपके पास आएगी ना, धन आएगा ही। तो आज देखिए आप, हम टीवी सीरियल्स में इतना सब कुछ देख रहे हैं, हाँ, तो उनका तो पर डे कितना चलता होगा, तो उनके पास तो ऑलरेडी सरस्वती है, हाँ, भले ही वो सरस्वती थोड़ी विकृत क्यों ना हो, क्योंकि सारे जो कलाकार होते हैं वो कोई सीधे रास्ते से नहीं होते, कुछ टेढ़े रास्तों से भी कला जो होते हैं कलाकार पैसा कमाते हैं, ऐसा है। आज के जमाने कोई सीधा रास्ता पकड़कर कोई नहीं चलता, तो कम लोग जो होते हैं वो सीधे रास्तों से चलते हैं। भले ही सरस्वती है उनके पास, परंतु लक्ष्मी तो आ ही रही है, तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास सरस्वती है उनके पास लक्ष्मी नहीं आएगी। एक एक एक्टर आप देखिए कितने कितने अमीर है। अब एक्टिंग का छोड़ दीजिए, हाँ, अब पकड़ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे भी जो है कि आप यूनिवर्सिटीज ले लीजिए, इतने यूनिवर्सिटीज होते हैं कि एक यूनिवर्सिटी आप पकड़ेंगे तो उनमें ऐसा समझ लीजिए कि उनमें अगर एक एक डिपार्टमेंट पकड़ो तो 400-500 प्रोफेसर कहीं कम नहीं हुए। तो अगर एक बड़े यूनिवर्सिटी में कम से कम 400 या 500 प्रोफेसर है, तो बेसिक जो प्रोफेसर जो उसकी आमदनी होती है तो मंथली उसकी 75,000-1,00,000, या अगर वो कोई बड़ा प्रोफेसर हो तो 1.5-2 लाख की कमाई कर ही लेता है। तो आप सोचिए कि इंडिया में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज है, तो इन प्रोफेसर के पास जो है कोई तो उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, कहीं से डिग्री ली हुई है, तो उनके पास विद्या है, तो लक्ष्मी तो आ ही रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके मैन में सरस्वती की तलवार है तो आपके मैन में लक्ष्मी की तलवार नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है मित्रों। ये सब जो भ्रम है ये निकाल दीजिए। इतना ही नहीं मित्रों कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो होटल मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं, बहुत लोग जो है जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, होटल मैनेजमेंट का जो स्टूडेंट होता है वो उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है,
तो वो किसी होटल में कुछ सालों तक काम करता है, फिर अपना होटल निकाल लेता है, तो उसमें वो कमाई करता ही है, यानी जो उसने डिग्री में नॉलेज लिया था, फिर कहीं जॉब किया, फिर एक्स्ट्रा नॉलेज इंक्रीज किया, एक्सपीरियंस लिया, तो एक्सपीरियंस आना भी जो होता है उसको भी नॉलेज ही कहते हैं, उसको भी सरस्वती कहते हैं। ऐसा है, लक्ष्मी जो आती है वो कला के द्वारा ही आती है। जब आप अपने अंदर का कौशल्य जो होता है वो एक्सप्रेस करते हो, तभी जाके आपको कोई क्या बोलता है, गिनती में पकड़ता है, या एक कह सकते हैं कि आपके पास पैसा आता है। तो कला आपको प्रदर्शित करनी पड़ती है। तो जिस प्रकार से होटल वाले को होती है, वैसे ही आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसने एमबीबीएस की स्टडी के लिए एडमिशन लिया है, डॉक्टर हो जाएगा, कुछ दिनों तक किसी डॉक्टर के पास प्रैक्टिस करेगा, बाद में खुद अपना हॉस्पिटल निकालेगा, हॉस्पिटल से धन कमाएगा। कोई फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बिजनेस बढ़ाएगा, तो उसने जो पढ़ाई की है वो तो सरस्वती ही है ना, तो सरस्वती को खींच के लक्ष्मी आएगी और लक्ष्मी को खींच के सरस्वती भी आएगी। ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा यानी हमारे घर में एक स्त्री है तो दूसरी स्त्री आने के बाद घर में जो है माहौल बिगड़ जाएगा, दोनों स्त्रियां जो है झगड़ा कर लेगी, ऐसा नहीं होता मित्रों। हमारे भारत में ऐसे कई सारे परिवार है कि जिनमें अभी भी भले ही सेपरेट सेपरेट परिवार हो, परंतु जो भी कुछ बनाया जाता है, जो भी कुछ निर्णय लिए जाते हैं, वो आज भी एकत्रित स्वरूप से लिए जाते हैं, एक दूसरे को मदद की जाती है परिवारों में। बात यहाँ ये होती है कि आपको आध्यात्मिक जीवन में जब आगे बढ़ना होता है, तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते वक्त आप अपनी सोच किस प्रकार से लगा रहे हो ये मैटर करता है। अभी क्या है कि बहुत लोग, मैं ऐसे एक्सपीरियंस करता हूं कि अब मैं आपको कल का एक्सपीरियंस आपको बताता हूं कि एक हमारा एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड का मुझे फोन आया, तो उसने यानी वो मेरे पास सीख भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा है कि उन्होंने एक फॉरेन में, विदेश में एक मेडिटेशन का ग्रुप ज्वाइन किया था, और उस मेडिटेशन ग्रुप में माइंड को मेडिटेशन में अल्फा स्टेट में ले जाकर जो सीक्रेट बुक जो होती है, जिसमें आपको आकर्षित करना होता है, धन को आकर्षित करना होता है, फेम को आकर्षित करना होता है, या फिर आपको कुछ चीजें आकर्षित करनी है जो आपको कंप्लीट नहीं हो रही है, तो उसका विजुअलाइजेशन जो होता है माइंड के अल्फा स्टेट में किया जाता है। एक्चुअली ये अल्फा बीटा गामा ये जो मेडिटेशन में अलग अलग सिखाया जाता है, ये सब कुछ जो है, हाँ, ये सम्मोहन की क्रिया है। इसी सम्मोहन की क्रिया को हमारे इंडिया के कुछ गिने चुने लोग हैं, इन्होंने अमेरिका में जाकर सम्मोहन पर पीएचडी किया, इंडिया में आए और उनको समझ गया कि लोगों को कैसे चुना लगवाना है, और उन्होंने अपने अपने मेडिटेशन सेंटर खोल दिए। आपको म्यूजिक लगवाया जाता है, चार्ट में 7 चक्रों का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, इडा पिंगला नाड़ी का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, और फिर आपको एक म्यूजिक लगाकर एक मेडिटेशन करवाया जाता है। हाँ, सांसों को ऊपर नीचे करवाया जाता है, किसी चक्र के ऊपर आपको कंसंट्रेशन करवाया जाता है, और इसमें जो आपको एक्सपीरियंस आते हैं, ये एक्सपीरियंस आपके कुंडलिनी शक्ति के जागरण के एक्सपीरियंस है, आपकी कुंडलिनी जागरण हो रही है, इस एक टैगलाइन पर आपको थोपा जाता है। हाँ, और आप इसके भ्रम में आ जाते हो। तो वो मेरे जो फ्रेंड है वो कह रहे थे कि इस तरह से वो एक ग्रुप चल रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, मुझे कहा। तो मैंने उस फ्रेंड को कहा कि देखो, तुम्हारा बिजनेस है, तुम अपने बिजनेस में यश तुम्हें चाहिए, सक्सेसफुलनेस चाहिए, पैसा चाहिए, तुम्हारे पास जो है लोग आने चाहिए, हाँ, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, तुम्हारा जो स्किल है वो लोगों के सामने चला जाना चाहिए। तो मैंने उसे, हम अब मैं तो मराठी हूं, तो हमारे महाराष्ट्रीयन जो संस्कार है वो मैंने उसको बताए। देखो, हमारे महाराष्ट्रीयन में क्या संस्कार होते हैं कि पहले तो लोगों बच्चों को सिखाया जाता है, देखो तुम्हें 2 रुपए मिल रहे ना, तो 2 रुपए में ही सुखी रहो, हाँ, 2 के 4 करने के लिए मत जाओ, और 2 के 4 करने हैं तो उसमें कुछ गलत हो कर रहे हो तो गलत मत करो, ऐसा सिखाया जाता है। ठीक है, गलत मत करो, ये सारी चीजें, पर 2 के 4 क्यों ना करे, ये मेरे को सवाल कभी समझ में नहीं आया। ये तो मेरे घर से भी कहते थे मुझे बचपन में कि गलत नहीं कुछ करना है, तुम्हें 2 रुपए में खुश रहना सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए, अगर आपके पास आपका स्किल जो है एक्सप्रेस होकर, हाँ, वो आ रहा है आपके पास धन, तो आपको धन स्वीकार करना चाहिए।
गलत क्रियाओं से धन प्राप्त करना एक अलग बात है, वो नहीं करना चाहिए, पर आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो और एक्स्ट्रा मेहनत से एक्स्ट्रा एजुकेशन ले रहे हो, एक्स्ट्रा लोगों के पास जा रहे हो और उससे आपको धन आ रहा है, तो आप क्यों ना स्वीकार करो? ये मेरे को समझ में नहीं आता। तो बचपन से कुछ माँ बाप ऐसे होते संस्कार करते हैं, तुम्हें 2 रुपए में ही खुश रहना चाहिए, हाँ किसी ने तुम्हें दाएं गाल पर कान पे मारा तो तुम्हें बायां गाल भी आगे करना चाहिए, उसे कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो ये चीजें जो होती है बहुत गलत होती है। तो आदमी को एक्सप्रेस होने के लिए या उसमें जो छुपे हुए जो कला गुण है, हाँ कला गुण मतलब सिर्फ एक्टिंग वाली कला गुण नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा विद्या भी आ सकती है। हाँ तो जो भी कुछ एक्सप्रेस होने के लिए आपके सब कौशल है, उसके लिए आपको एक प्रकार का एक माहौल नहीं मिलता। संस्कार तो अच्छे होते हैं क्योंकि माँ बाप को भी लगता है कि अगर ये कुछ गलत जगह फंस ना जाए, इसलिए ही वो कहते हैं, परंतु बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना या फिर उस टाइप के संस्कार ही करना, यानी तुम ऐसा ही करो आगे जाकर, ये सब कुछ जो होता है ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये गलत है। और उसी के कारण क्या होता है कि बचपन से जो हमारे संस्कार होते हैं वो जब बाद में हम करियर में आते हैं तो करियर में ये सारे संस्कार रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं परंतु पढ़ाई के बाद उनको जॉब अच्छा नहीं लगता, फिर हाँ उनका व्यापार अच्छा नहीं होता। वो इसलिए नहीं अच्छा होता क्योंकि उनको बचपन से जो है कि ऐसा एक चौकट में उनको बंद किया जाता है संस्कारों से। तो उस टाइप में जो व्यापारी वृत्ति के लिए जो एक्सप्रेशंस आने चाहिए, हाँ वो एक्सप्रेशंस नहीं आते। ये सारे जो संस्कार होते हैं ये एक करियर में हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसा है। तो रिफ्लेक्ट करने के कारण क्या होता है कि अगर मुझे मेरे पास कुछ कला गुण है, मुझे मेरे पास नॉलेज है और मुझे वो एक्सप्रेस कर लक्ष्मी कमानी है, धन कमाना है, हाँ तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती है क्योंकि उनके अंदर जो एक संस्कार दबा कर रखे हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे ऊपर जो संस्कार होते हैं वो बिजनेस टाइप के संस्कार होते नहीं है, वो तो जॉब वाले संस्कार होते हैं, एक लिमिटेशन वाले संस्कार होते हैं। तो व्यापारी वृत्ति से भी सोचना चाहिए क्योंकि आज के जमाने में क्या है कि आपको 10,000 मिल रहे हैं तो उसमें से 2,000 तो लाइट बिल के ऊपर खर्चा हो जाते हैं, तो 5,000 जो होते हैं वो आपका घर खर्चे में निकल जाते हैं, हाँ 1,000 रुपया आपका बीमारी के ऊपर चला जाता है, आप सेविंग क्या करोगे, अपने लिए क्या खर्च करोगे? तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको आप ये मत कहो कि सरस्वती जहां होती है लक्ष्मी नहीं आएगी, लक्ष्मी जहां होती है वहां सरस्वती नहीं आएगी। कितने सारे इंडिया के लोग जो है ये इंडिया में पढ़ के हाँ अमेरिका कनाडा यूरोप में सेटल हो चुके हैं और वहां अच्छी जॉब करके कमाई कर रहे हैं। इवन मैं आपको बताऊं, मेरे सामने ही ऐसे लोग है कि जिन्होंने लोकल लैंग्वेज की जो यानी कॉन्वेंट स्कूल का तो छोड़ ही दो, जहां इंग्लिश का ओ की ठो पता नहीं होता, ओनली प्योर 10th स्टैंडर्ड तक मराठी तक या हिंदी तक पढ़ाई की है, हाँ इंग्लिश का तो ओ की ठो उनको पता नहीं था ज्यादा, हाँ बाद में 11th 12th किया, साइंस लिया, फिर इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग करके उनको अच्छा जॉब मिला और जॉब मिलने के बाद अमेरिका में सेटल हो गए। यानी कॉन्वेंट में बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमन जो कहते हैं वो अच्छा होना चाहिए, एक कला होती है वो आपके अंदर जो एक अंदर से होती है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ जो सारी चीजें है ये मुझे आपको आज बतानी थी कि अगर आपको कोई कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कला है विद्या है तो कला को लक्ष्मी आकर्षित नहीं करती है, हाँ और आपके पास पैसा है तो आपके पास विद्या सरस्वती आकर्षित नहीं करती, ये सब कुछ एक सफेद झूठ है और इसको दिमाग से बाहर निकलवा दो, ये मैं कहूंगा। क्योंकि आगे आने वाला जो समय है मित्रों, ये समय जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कंपटीशन है और इस कंपटीशन में आप अपने बच्चे के ऊपर या आप अपने ऊपर इस टाइप के जो संस्कार होते हैं, यानी ये किसी ने आपके सर में अगर कोई एक ऐसा वर्ड बिठा दिया हो तो वो वर्ड रिमूव कर दीजिए। गलत तरीके से धन कमाना एकदम गलत चीज है ही, हाँ उसकी शिक्षा तो होती ही है। जो लोग रिश्वतखोर होते हैं, जो लोगों को तंग करके पैसे कमाते हैं, उनको तो शिक्षा होती ही है, हाँ परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर जो कौशल है जो कला है हाँ वो आप एक्सप्रेस ही ना कर सको, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी मित्रों।
आप जॉब में हो तो जॉब में आपको अपने कला गुण दिखाने ही पड़ेंगे, तभी जाके तो आपका प्रमोशन होगा। तो ये सारी चीजें है। तो आज के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में मुझे यही बताना था, अगर आपको कोई कोर्स करना है, कुछ स्पिरिचुअल में कुछ सीखना है, तो हमारे श्री विद्या एसेंशियल क्रिया एसेंशियल कोर्स है। अगर आपको कोई साधना बेस्ड साधना करनी है, पूजा करनी है, तो सिद्ध कुंजिका साधना है, सुवर्ण आकर्षण भैरव साधना है, महामृत्युंजय, प्रत्यंगिरा, दुर्गा सप्तशती साधना है, ये सारे जो बुक्स है अवेलेबल है, इनकी आप साधना कर सकते हो। और आने वाला जो हफ्ता है इसमें हम श्री विद्या का जो फर्स्ट स्टेज है श्री महागणपति, उसको आपके सामने ऑनलाइन रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी तैयारी चल रही है। और हनुमान जी की भी साधना जो है वो भी आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अगले हफ्ते सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं इसमें कि हम आगे जो है दो बहुत बड़ी और प्रॉपरली इंडिया में फर्स्ट ऐसी साधना जो है जो कहीं बनी नहीं है। नॉर्मली लोग सिर्फ चैंटिंग करते हैं मंत्र का, रिचुअल्स पता नहीं है और रिचुअल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सब कुछ जो है हम आपके सामने आगे लाने वाले हैं। तैयार रहिए उस सारी चीजों के लिए, विषयों के लिए, साधनाओं के लिए और नॉलेज के लिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये नॉलेज जो है और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद मित्रों।